बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। सिरातुल हक चैनल देखने वालों को और सुनने वालों को रमज़ानुल मुबारक की आमद की ढेर सारी मुबारकबाद। दोस्तों, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि ये माह मुबारक हमारी ज़िंदगी में एक बार फिर आया है। इंशाल्लाह इस महीने में भी हम अपनी ज़िंदगी को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और अल्लाह ताला ने जो तौर तरीके बताए हैं उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। यही वो कामयाबी का रास्ता है। दोस्तों, जब रमज़ान आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम एक काम लाजमी करते थे। रमज़ान की पहली रात को एक काम होता है, वो कौन सा काम है आज की वीडियो में आपको बताएंगे। आपसे ये गुजारिश है कि ये सब कुछ जानने के लिए हमारी इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सिरातुल हक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी मालूमाती और इस्लामी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, बुखारी शरीफ की रिवायत है कि हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि रमज़ानुल मुबारक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इबादात में इतनी मेहनत फरमाते, मुशक्कत उठाते थे कि रमज़ानुल मुबारक के अलावा किसी और महीने में इतनी मेहनत नहीं करते थे। इससे ये मालूम हुआ कि इस माह का खास एहतमाम करते थे। एक और रिवायत है बहकी की, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब रमज़ान का महीना आता था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम अपनी तहबंद को कस के बांध लेते थे, फिर पूरा महीना गुजरने तक अपने बिस्तर पर वापस नहीं आया करते थे। अल्लाहु अकबर कबीरा। इसलिए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम रमज़ानुल मुबारक की बरकात से वाकिफ थे, जानते थे। बहकी शरीफ की एक और रिवायत है कि जब रमज़ानुल मुबारक का महीना आता था तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के चेहरे का रंग बदल जाता था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम नफल इबादत कसरत से करते थे, नफल नमाजें कसरत से पढ़ते थे और अपनी दुआ में अल्लाह ताला के सामने इतनी आजजी करते थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का चेहरा अनवर सुर्ख हो जाया करता था। चुनाचे एक हदीस मुबारक में है, हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाहु ताला अन्हो रिवायत फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ लोगों, तुम पर एक बड़ा बरकत वाला महीना आ गया है। इसमें एक रात ऐसी है जो हजार महीनों की इबादत से अफजल है, एक ऐसा महीना जिसके रोज़ों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फ़र्ज़ फरमाया है और रात के क़याम को अल्लाह ताला ने अपने क़ुर्ब का ज़रिया बनाया है। जिसने रमज़ान में नफल अमल किया ऐसे अजर मिलेगा जैसे गैर रमजान में उसने किसी फर्ज पर अमल किया था। जिसने रमजान में एक फर्ज अदा किया उसको इतना अजर मिलेगा जैसे गैर रमजान में उसने 70 फराइज को अदा किया हो। यहाँ से मालूम हुआ कि रमजान मुबारक में अल्लाह ताला इंसान के आमाल का गैर रमजान के मुकाबले में 70 गुना रेट बढ़ा देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सुभान अल्लाह, दुनिया रेट इंक्रीज करती है 1%, 2%, 10%, लेकिन अल्लाह ताला ने 70% उसमें इजाफा कर दिया है। इसलिए कि वो शहंशाह हकीकी है, वो अपने बंदों को इतना अजर देना चाहता है कि उनके गुनाहों की जुल्मतें खत्म हो जाएं। रमजान मुबारक की पहली रात की अल्लाह ताला ने ऐसी फजीलत बयान फरमाई है, चुनाचे कंजुल अमाल में है कि जब रमजान की पहली रात आती है तो शैतान सरकश शयातीन को कैद कर दिया जाता है, उनको बांध दिया जाता है कि खबरदार कि मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के उम्मतियों के रोजों को तुम खराब ना कर सको, तो शयातीन को बांध दिया जाता है, जहन्नम के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, पूरा रमजान बंद रहते हैं और जन्नत के सारे दरवाजे खोल दिए जाते हैं और उन दरवाजों को पूरा महीना बंद नहीं किया जाता। सुबहान अल्लाह, अल्लाह ताला इस बाबरकत महीने में जन्नत की सेल लगाते हैं और निदा देने वाला फरिश्ता हर रात को ये निदा देता है, ऐ नेकी के मुतलाशी आगे बढ़, ऐ बुराई के तलाश करने वाले थम जा, रुक जा। हर रात में अल्लाह ताला जहन्नमियों को जहन्नम से बरी फरमाता है। अब शायद सबके जेनों में एक सवाल पैदा होता है कि रमजान के महीने में शैतान तो कैद होते हैं, फिर क्यों बुराइयां होती हैं, गफलतें होती हैं? तो उलमा हजरात ने इसके कई जवाबात दिए हैं। उसमें एक जवाब तो ये कि भाई बड़े शैतान तो जो हैं उनको कैद कर दिया गया है, अब शैतान के चेले उसके शतुंगड़े भी तो हैं और हम इतने ज्यादा गाफिल हो चुके हैं कि शैतान के चेले ही अपना काम दिखा जाते हैं। दूसरा उलमा ने ये कहा कि शैतान की वजह से कि नफ्स के अंदर इतनी ज्यादा खबासत आ जाती है कि शैतान अगर बांध भी दिया जाता है
तो नफ्स उसका कारिंदा बना रहता है। वो इंसान को गुनाहों पे उकसाए रखता है, या बुरे दोस्त होते हैं, यारे बद, उनकी वजह से इंसान रमजान में भी नेकी की तरफ नहीं आता है। मगर इसकी खूबसूरत मिसाल यही है कि जैसे लोहे को भट्टी में गर्म करें ना तो वो सुर्ख हो जाता है, तो फिर जब उसको भट्टी से निकाल लें तो वो थोड़ी ही देर में ठंडा नहीं होता है, तो वो घंटा दो घंटे गर्म रहता है। तो शैतान ने इंसान को गुनाहों की भट्टी में इतना गर्मा दिया होता है, तो अगर इन लोगों के लिए रमज़ान का महीना आ भी जाता है तो वो गर्मी उसी तरह मौजूद रहती है। दोस्तों, अगर मलाइका सुबह से शाम तक खाना ना खाएं तो ये कोई कमाल नहीं, इसलिए कि उन्हें भूख ही नहीं लगती और उन्हें खाने की हाजत ही नहीं है, लिहाजा उनके खाने पर कोई अजर व सवाब नहीं। लेकिन इंसान इन तमाम हाजतों को लेकर पैदा हुआ है, लिहाजा कोई इंसान कितने ही बड़े से बड़े मकाम पर पहुंच जाए, हत्ता के सबसे आला मकाम यानी नबूवत पर पहुंच जाए, तब भी वो खाने पीने से मुस्ताफी नहीं हो सकता। चुनाचे कुफार ने अनबिया अलैहि सलाम पर एतराज़ किया, यानी ये रसूल कैसे हैं जो खाना भी खाते हैं और बाजारों में चलते फिरते हैं। तो खाने का तकाजा अनबिया अलैहि सलाम के साथ भी लगा हुआ है। अब अगर इंसान को भूख लग रही है लेकिन अल्लाह के हुक्म की वजह से खाना नहीं खा रहा, तो ये कमाल की बात है। इसलिए अल्लाह ताला ने फरिश्तों से फरमाया कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा कर रहा हूँ जिसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, और उसके अंदर शहवानी तकाजे भी पैदा होंगे और गुनाह करने का दाया भी इनके अंदर पैदा होगा। लेकिन जब गुनाह का दाया पैदा होगा, उस वक्त वो मुझे याद कर लेगा और मुझे याद करके अपने नफ्स को उस गुनाह से बचा लेगा। इसकी ये इबादत और गुनाह से बचना हमारे यहाँ कदरों कीमत रखता है, और जिसका अजर सवाब और बदला देने के लिए हमने ऐसी जन्नत तैयार कर रखी है जिसकी सिफ्त अर्ज़ुस्समावाति वल अर्ज़ है। इसलिए कि इसके दिल में दाया और तकाजा हो रहा है और ख्वाहिशात पैदा हो रही हैं और गुनाह के महरकात सामने आ रहे हैं, लेकिन ये इंसान हमारे खौफ और हमारी अजमत के तसव्वुर से अपनी आँख को गुनाह से बचा लेता है, अपने कान गुनाह से बचा लेता है, अपनी जुबान को गुनाह से बचा लेता है और गुनाहों की तरफ उठते हुए कदमों को रोक लेता है ताकि मेरा अल्लाह मुझसे नाराज ना हो जाए। ये इबादत फरिश्तों के बस में नहीं थी, इसलिए इबादत के लिए इंसान को पैदा किया गया। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स बहालत ईमान सवाब की नीयत से रमजान के रोजे रखता है उसके सबका गुनाह बख्श दिए जाते हैं। बहवाला बुखारी शरीफ। क़याम रमज़ान से मुतल्लिक हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रमज़ान में बहालत ईमान सवाब की नीयत से क़याम किया तो उसके सबका तमाम गुनाह माफ़ कर दिए गए। रमज़ान की फजीलत का अंदाज़ा इस बात से किया जा सकता है कि हदीस में है कि अगर लोगों को ये मालूम हो जाए कि रमज़ान क्या चीज़ है तो मेरी उम्मत तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान हो जाए। हज़रत अबू हुरैरा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम से नकल किया है कि मेरी उम्मत को रमज़ान शरीफ के बारे में पांच चीज़ें मखसूस तौर पर दी गई हैं जो पहली उम्मतों को नहीं मिली हैं। इसी माह मुबारक में शब्बे कदर वाक़े हुई, जिसकी बाबत अल्लाह ताला ने फरमाया, शब्बे कदर हज़ार महीनों से बेहतर है। शब्बे कदर या लैलतुल कदर मुसलमानों के नज़दीक पूरे साल के सबसे ज़्यादा फजीलत रखने वाली रात है। अल्लाह ताला ने कुरान की दो सूरतों में शब्बे कदर के बारे में जिक्र फरमाया है। मुसलमानों के अकायद के मुताबिक शब्बे कदर पूरे साल की रातों में मख्फी रखी गई है और दकीक ये नहीं बताया गया कि कौन सी रात शब्बे कदर है। शब्बे कदर की दो अहम अलामतें कुतुबे हदीस में हैं, एक ये कि रात ना बहुत ज़्यादा गर्म हो ना बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, और दूसरी अलामत ये कि शब्बे कदर के बाद सुबह को सूरज के तुलू होने के वक्त सूरज की शुआएं यानी किरणें नहीं होती हैं। सूरह कदर में अल्लाह ताला फरमाते हैं, हमने कुरान को शब्बे कदर में नाजिल किया और आप क्या जाने शब्बे कदर क्या है। शब्बे कदर हजार महीनों से बेहतर है। फरिश्ते और रूह इस शब में अपने रब के इज़न से तमाम हुक्म लेकर नाजिल होते हैं। ये रात तलुए फजर तक सलामती ही सलामती है। हज़रत अबू जाफर रजी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं कि एक मौके पर जब आपने रमज़ान का चांद देखा तो आप लोगों की तरफ मुतवज्जे हुए और फिर ये जामे दुआ की, यानी ए अल्लाह, रमज़ान के चांद को हम पर अमन ईमान सलामती ए सलाम अजीम आफियत के साथ तुलू फरमा, और बीमारियों को दूर करने, रोज़ों नमाज तलावत कुरान के लिए मददगार के तौर पर तुलू हो। ए अल्लाह,
हमें रमजान के लिए सलामत रखना और रमजान को हमारे लिए सलामती का मौजब बना, और इसे हमसे इस हालत में वापस लीजो कि रमजान जाए तो हम बख्शे जा चुके हों, हम पर रहम फरमा चुका हो और हमसे दर गुजर फरमा चुका हो। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान उल मुबारक का चांद देखते तो दुआ करते, ये चांद खैर बरकत का है, ये चांद खैर बरकत का है, मैं इस जात पर ईमान रखता हूँ जिसने तुझे पैदा फरमाया। रमजान की आमद के साथ ही अल्लाह ताला के फजलो करम के दरवाजे खुल जाते हैं और खैर बरकत के तालब हर शख्स के लिए नेकियों का हसूल आसान कर दिया जाता है। तो दोस्तों, इस माह मुबारक की फजीलत जो है वो बहुत बुलंद है, जितना भी बयान किया जाए, जितना भी जिक्र किया जाए वो कम है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से हम बहुत खुश नसीब हैं कि अल्लाह ताला ने हमारी जिंदगी में एक बार फिर से हमें रमजान मुबारक नसीब फरमाया है। तो आइए अहद करते हैं कि इंशाल्लाह इस पूरे माह मुबारक में हम उन्हीं तौर तरीकों के मुताबिक जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जो अल्लाह ताला ने हमें बताए हैं, उन पर अमल करके गुजारेंगे, ताकि ये हमारी दुनिया भी संवर जाए और हमारी आखरत भी संवर जाए। अपनी इबादात में खुशू खुजू पैदा करेंगे, अल्लाह ताला के हजूर सरबसजूद होंगे, रातों को कयाम करेंगे, कुरान पाक की तिलावत करेंगे, रोज़े रखेंगे, नफल नमाजें पढ़ेंगे। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमजानुल मुबारक के बाबरकत महीने के फयूज़ो बरकात से भरपूर तरीके से मुस्तफीद होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। इन्हीं दुआया कलमात के साथ दोस्तों मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा और आपसे गुजारिश करूँगा कि कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए। ज़िंदगी ने वफा की तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए।